बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद सुहेल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अटक। आई वेलकम यू टू माय ऑनलाइन बीए क्लास। आई वुड लाइक टू शेयर विद यू अ पैराग्राफ for translation from Urdu to English. Today there was a problem with net, so I could not tackle properly the Zoom class. That's why I take it appropriate that I should share a paragraph here with you. We discussed certain tips regarding translation from Urdu to English, and here I shall try to revise them. First, what you have to do whenever you are given a paragraph for translation, you should try to find out the tense of the sentence, and after deciding this very, you may say, tense, then you should concentrate on the difficult words that appear to be somewhat challenging for you people, and after this you should try to find out the exact equivalent word for those words. Then you should also keep in mind the sequence of the sentence. As you know, in English we have SVO. By SVO we mean that subject, verb and object. You should also keep in mind, dear students, that while translating from one language to another, it sometimes creates certain problem for the translator, because you know that every language has its own norms. As you can see that whenever you are asked to translate a sentence like Musladar Barish Ho Rahi Hai, here you will see that when you translate this sentence into English, what you will have to do, it is raining cats and dogs. So you can see that in Urdu we don't have even a remotest touch with musladar and cats and dog, but in English this sentence is quite okay. So don't worry, don't be so particular about the exact translation. Sometimes we have to take the gist of the sentences, and we have to give idiomatic sense when we have to translate English, when we have to translate a paragraph from one language to another. So here I have a paragraph for you. मेरी जाती लाइब्रेरी में 200 किताबें हैं. अगेन यू विल सी दैट हेयर हैं इज व्हाट दैट इज अ प्रेजेंट टेंस. ये किताबें मैंने अपने जेब खर्च से ख़रीदी हैं. अगेन हैं इंडिकेट प्रेजेंट टेंस. मुझे किताबों से लगाव है.
मैं किताबों से इल्म हासिल करता हूँ। हम सब जानते हैं कि इल्म बड़ी दौलत है। मेरे उस्ताद बहुत काबिल हैं, वो मुझे शफकत से पढ़ाते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगले इम्तिहान में मैं अच्छे नंबर हासिल करूँगा। नाउ करूँगा इज़ व्हाट इट बिलोंग्स टू फ्यूचर टेंस। मेरे वालदेन मेरी कामयाबी की दुआ करते हैं। सो वी हैव ओनली वन सेंटेंस दैट बिलोंग्स टू फ्यूचर टेंस, अदरवाइज ऑल द सेंटेंसेस ऑफ दिस पैराग्राफ बिलोंग्स टू प्रेजेंट टेंस। सो बिफोर वी ट्रांसलेट वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन सर्टन डिफरेंट डिफिकल्ट वर्ड इज फॉर एग्जाम्पल ज़ाती लाइब्रेरी, पर्सनल लाइब्रेरी, जेब खर्च, पॉकेट मनी, लगाव है, लव, इलम हासिल करना, गेन और गेट नॉलेज, सब जानते हैं, ऑल ऑफ अस नो, मेरे उस्ताद बहुत काबिल हैं। काबिल के लिए क्या है? एफिशिएंट, शफकत, अफेक्शन, कामयाबी, सक्सेस, दुआ करना, प्रे। सो नाउ इट हैज़ बिकम वेरी ईजी फॉर यू पीपल टू ट्रांसलेट दिस पैराग्राफ इन टू इंग्लिश। एज फॉर द फर्स्ट सेंटेंस इज़ कंसर्न, मेरी ज़ाती लाइब्रेरी में 200 किताबें हैं। आई हैव 200 बुक्स इन माई पर्सनल लाइब्रेरी। ये किताबें मैंने अपने जेब खर्च से ख़रीदी हैं। आई हैव बॉट दीज बुक्स आउट ऑफ माई पॉकेट मनी। मुझे किताबों से लगाव है। आई लव बुक्स। मैं किताबों से इल्म हासिल करता हूँ। आई गेट और गेन नॉलेज फ्रॉम द बुक्स। हम सब जानते हैं कि इल्म बड़ी दौलत है। ऑल ऑफ अस नो दैट नॉलेज इज़ अ ग्रेट वेल्थ। मेरे उस्ताद बहुत काबिल हैं। माई टीचर्स आर वेरी एफिशिएंट आर एफिशिएंट। दे टीच मी विद अफेक्शन। मुझे उम्मीद है कि मैं अगले इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल करूँगा। आई होप आई शेल गेट गुड मार्क्स इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। मेरे वालदेन मेरी कामयाबी की दुआ करते हैं। माई पेरेंट्स प्रे फॉर माई सक्सेस। सो स्टूडेंट्स, बाई कीपिंग दीज पॉइंट्स इन योर माइंड, यू कैन ईजीली अटैम्प्ट द पैराग्राफ फॉर translation. These are certain tips that I like to share with you, and I hope that you would have benefited from this lecture, and I advise you that whenever you attempt paper, don't leave any question unattempted. Whatsoever that comes to your mind, you should try to attempt it, because
sometime you can get certain marks even for your attempt. So what we have to do is to attempt all the questions, prepare yourself properly, and take the exam seriously. Don't waste your time. No doubt that you are away from your colleges, but still you have a lot of time. So try to utilize your time in the best possible way and try to even take care of your health as well. With this, I would like to conclude my lecture with the hope that you will try to follow my advice. Thank you very much. Allah Hafiz.